गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल. दिस इज योर वन एंड ओनली मानसी चौधरी एंड टुडे इज द वेडिंग डे. यस, तो मैं तो ऑलरेडी ही तैयार हो चुकी हूँ. अटायर तुम्हें भी दिखा दूंगी मैं आराम से. अभी यहाँ पर बड़ा रश है यार, एंड यू नो आई कांट स्टैंड क्राउड. तो थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, और आज मैं थोड़ी डाउन भी हूँ. तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरा वेट भी कम हो गया. मैं जो ये मतलब लहंगा सेट करके आई थी, ये भी लूज हो गया. मेरे को डाइट ही नहीं मिलती यार, दुख ही दुख है. मोए मोए. तो गाइस मिलते हैं. तो गाइस, शादी जो बारात है वो निकल चुकी है, और मैं यहीं पर हूँ घर पे. हाँ, मैं यहीं पर हूँ. बताऊँगी मैं अभी क्यों. एक मिनट, सीढ़ियाँ चढ़ लो. तो मैं बताऊँगी तो तुम हेट दोगे, मुझे नहीं मेरे लोगों को, पर मैं ज़रूर बताऊँगी ऐसा क्यों हुआ. तो पहले तुम्हें मेरी शक्ल से तो पता ही लग रहा होगा कि मैं बीमार हो गई हूँ बहुत ज़्यादा. और एक मिनट ज़रा, मैं भाभी का स्टॉल लेना आई थी, वो ले लूँ, देन बात करती हूँ. तो गाइज, मैं तो सो गई थी लास्ट जब तुमसे बात की. इतना डाउन फील हो रहा है ना मुझे अभी, लाइक मुझे हो गया फूड पॉइजनिंग यहाँ पे. तुम जानते ही हो शादियों का खाना. बस क्या बोलूँ यार, अब भी आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी. मैं मन कर रहा बस मैं घर भाग जाऊँ कैसे मर्जी. बारात में क्यों नहीं गई वो भी बताऊंगी, बट अभी नहीं, घर जाके. तो करते हैं तुमसे बात, थोड़ा ठीक फील होगा तब. हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ घर. मैं बता नहीं सकती मैं इस टाइम कितनी खुश हूँ, क्योंकि यार जो सुकून अपने घर में आके मिलता ना, वो कहीं नहीं मिलता. और मैं एडजस्ट नहीं कर पाती यार गांव में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे से नहीं हो पाता. और जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बीमार हो गई, मेरा दो किलो वेट कम हो गया, डिहाइड्रेशन हो रखी है, डायरिया हो रखा है, पूछो मत. घर आते मैंने एक डाइट ली अच्छी सी, ताकि थोड़ा ठीक फील हो, और फ्लूइड्स ले रही हूँ ताकि नॉर्मली जो नॉर्मल एनर्जी है वो वापस आए मेरी बॉडी में. तो गाइस, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी कि मैं बारात में क्यों नहीं गई. पहले मेरी आंखें देखो, ऐसे अंदर से चली गई है ना यार, अजीब सी हो रहा है. हाँ, तो मैं क्यों नहीं गई बारात में. तो एज यू ऑल गाइज नो, वी आई बिलोंग टू जाट कम्युनिटी, एंड आज भी हमारे जाट जो, एंड आज भी देश के कुछ कोनों में ऐसी जाट फैमिलीज हैं जो अब भी अपनी फीमेल्स को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस करते हैं. तो मैं उन्हीं से ही बिलोंग करती हूँ, एंड वो बारात में अपनी लड़कियों को जाने नहीं देते. तो मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैंने इतना अच्छा ड्रेसअप भी किया, इतनी तैयारी करी ये देखने के लिए कि घर से बारात जा रही है. बुरा लगता है यार, कोई मेरे ताऊ जी का लड़का है, वो भाई है मेरा, और मैं उसकी शादी नहीं देख पाई. तो ये चीज़ें बहुत बहुत हर्ट करती है. आज के टाइम में तो अब तो जैसे मॉडर्न, यहाँ पर शहर के किसी भी जाट फैमिली में जाते हैं मैरिज में, वहाँ सब नॉर्मल है, कोई नहीं अब इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाता. लेकिन गांव में आज भी वही सब हाल है.
तो बहुत मूड ख़राब हुआ और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मा चलते हैं बस। तो घर आ गई हूँ मैं और बहुत खुशी मिल रही है मुझे। तो गाइस व्लॉग आज का यहीं पर ही एंड करता है, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद और बहुत ज़्यादा हो रही है वीकनेस, तो मैं सो जाती हूँ। कल के व्लॉग में हम मिलेंगे। आई लव यू गाइज, यू नो दैट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।